ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। एक पशुपति व्रत होता है, यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप ना ही किसी से कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, कोई ऐसी मनोकामना जो सब व्रत कर लेने से भी पूर्ण नहीं हुई हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। पशुपति व्रत करने का नियम क्या है वो अच्छे से समझ लीजिए। आपको 5 सोमवार व्रत करना है। कोई भी किसी भी महीने के सोमवार से आप ये व्रत कर सकते हैं। अब कैसे करना है, सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक करना है आपको। शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना आराम से करनी है। अब वहीं आपके मन में एक सवाल होगा कि भगवान शिव की पूजा करने के लिए क्या क्या पूजा की थाली में ले जाना है, तो आप वही सामग्री और उतनी ही सामग्री पशुपति व्रत के लिए लेकर जाएंगे, जितनी कि शिवरात्रि या सावन के महीने में जिन सामग्रियों से आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, जैसे सादा जल, अक्षत, बेलपत्र, चंदन, शहद, दूध, दही, घी, समीपत, धतूरा, गंगा जल, चीनी, धूप, सफ़ेद फूल, वही सब चीज़ें आपको लेकर जानी है और कुछ लेकर अलग से नहीं जाना है। लेकिन एक सबसे ज़रूरी बात, आप जितनी सामग्री सुबह अपनी थाली में लेकर जाएंगे उसमें से थोड़ा थोड़ा हर वस्तु को ज़रूर बचा लेना। यहाँ तक कि जिस पात्र में जल रखे हैं उसमें थोड़ा सा जल भी बचा लेना। बस आप श्रद्धा और विश्वास से सुबह की पूजा अर्चना करके घर आ जाना। घर आकर फलाहार कर लेना। मीठा आदमी जो आपको बनाकर फलाहार करना है वो आप कर लेना। फिर जब शाम हो तो 6 दिए बना लेना, वो भी घी की बत्ती के, और साथ में कुछ मीठा बना लेना। और जिस थाली में सुबह की पूजा किए थे और थोड़ी थोड़ी सामग्री बचा कर लेकर आए थे वो थाली भी ले लेना। फिर इन सब सामग्रियों सहित शिव मंदिर में पहुंच जाएं। फिर जितनी सामग्री थाली में बचा कर रखी है वो सब शिवलिंग पर समर्पित कर दें। फिर जो मीठे में बना कर लेकर गए हैं उसके 3 हिस्से लगा लें किसी भी पात्र में। फिर 2 हिस्से मंदिर में शिवलिंग के पास पशुपतिनाथ को समर्पित कर दें। 1 हिस्सा अपनी थाली में रख लेना, जिसे आपको अपने साथ लाना है वो पशुपति बाबा के पास मत रखना। फिर जो आप 6 दिए लेकर गए हैं उसमें से 5 दिए शंकर भगवान के पास पशुपतिनाथ बाबा का स्मरण करके अपनी मनोकामना कहकर जला देना, और 1 दिया मत जलाना। फिर उसे भी अपनी थाली में रख लें, क्योंकि वो भी अपने घर लाना है आपको। फिर जब आप शिव मंदिर से घर लौटे तो घर में प्रवेश करने से पहले जो आपका दाहिना हाथ दरवाजे के जिस तरफ पड़ता हो, उस दरवाजे के कोने पर जो दिया आप अपनी थाली में लेकर आए हो उसको वहीं जला दें, अपने घर की तरफ मुँह करके, पशुपति बाबा से अपनी मनोकामना करके। उसके बाद फिर घर में प्रवेश कर जाओ। दोस्तों, इसी को कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 सोमवार कर लोगे आप हर काम, हर आपकी मनोकामना सफल हो ही जाएगी। ये व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर उसका कोई कार्य सफल नहीं हो रहा हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, या फिर कर्जा बढ़ गया हो, या कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, कोई भी समस्या हो आपकी, आपकी सब समस्या समाप्त हो जाएगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी मात्र 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लेने से। दोस्तों, कुछ और भी बातें हैं जो हमने आपको वीडियो के शुरू में नहीं बताई हैं, तो उनको कम समय में बताने का प्रयास करूंगी, जो आपके व्रत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो सुनिए, पहली बात दोस्तों, आप जिस भी सोमवार से पशुपति व्रत शुरू करें तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले संकल्प जरूर ले लें भगवान शिव के सामने कि हे पशुपति बाबा, हम आपका पशुपति व्रत करने जा रहे हैं। अपना नाम भी ले लेना, अपना गोत्र बोल देना, और पशुपति बाबा से कह देना कि वो बिना किसी विघ्न बाधा के आपके 5 सोमवार पशु व्रत को पूर्ण करें और आपकी मनोकामना भी पूर्ण करें। दूसरी बात, आप सबसे पहले सोमवार को जिस मंदिर में जाकर पशुपति व्रत शुरू करेंगे उसी मंदिर में उसी शिवलिंग की पूजा आपको सुबह शाम करनी है। आपको मंदिर नहीं बदलना। यदि आप किसी कारणवश बीच में कहीं चले भी जाएं तो अपने घर आकर उसी मंदिर में ही पूजा करें। आपको 5 व्रत की पूजा, सुबह शाम की पूजा उसी मंदिर में ही करनी है। इस व्रत में मंदिर नहीं बदला जाता। तीसरी बात, यदि किसी महिला का किसी भी कारणवश 5 सोमवार के बीच में ही व्रत छूट रहा है तो वो उस दिन व्रत ना रखें और अगला सोमवार आते ही फिर से व्रत शुरू कर दें। कुल मिलाकर उसको 5 व्रत पूर्ण करने हैं। जो सोमवार बीच में छूट गया है वो गिना नहीं जाएगा। चौथी बात, पशुपति व्रत करने के बाद कुछ लोग की मनोकामना 5 व्रत करते ही पूर्ण हो जाती है, पर यदि किसी की मनोकामना उन 5 सोमवार में ना पूर्ण हो तो निराश ना हो, पशुपति बाबा पर पूरा भरोसा बनाए रखें, क्योंकि पशुपति व्रत का फल 3 महीने के अंदर ही अंदर दिख जाता है। इसलिए पशुपति व्रत को करने वाले व्यक्ति को 3 महीने तक बाबा के चमत्कार का इंतजार जरूर करना चाहिए।
दोस्तों, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको सरल शब्दों में समझाने की, फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपको तुरंत के तुरंत जवाब देने की। हर हर महादेव।